नमस्कार दोस्तों स्वागत दे लिया है तो आप अपने क्वेश्चन मैच कीजिए और अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चनों को देखकर अपना एग्जाम दीजिए क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं ठीक है कम से भी कम दस पंद्रह क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो रिपीट हो रहे हैं तो आप जितने भी प्रीवियस पेपर हैं जो हमने अपलोड कर रखे हैं उनको देखिए आप ठीक है सोलह सत्रह अट्ठारह का हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं उनको आप प्ले में जाकर देख सकते हैं दोस्तों पहला ही क्वेश्चन पर अपन आते हैं यह जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये सभी ट्रेड्स के लिए हैं यह मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्पोबिलिटी स्किल्स सभी के सेम होती हैं ठीक तो उसी आधार पर यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्पोबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड हैं यानी कि उससे संबंधित हैं आप तो आप इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड होगा इसी चैनल पर तो वह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का होगा जिसमें उन्नीस मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके क्वेश्चंस अपलोड होंगे उसमें ठीक है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ठीक है पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आया था उन्नीस मार्च को तो दोस्तों एक एच का मेट्रिक प्रणाली में क्या मान होता है दोस्तों एक एच में जो मेट्रिक प्रणाली में जो मान होता है वह होता है सात दशमलव पाँच वाट होता है ठीक है दोस्तों इसी के बाद ब्रिटिश प्रणाली में अगर बात करें तो सात सौ छियालीस होता है यह है आप ध्यान रखना ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है पाँच सौ उनतीस का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम दे के आते हैं आज जो भी बच्चा आज एग्ज़ाम दे के आता है बीस मार्च का जो एग्ज़ाम है आज वह एग्जाम दे आता है तो इसी ही, इसी वीडियो के या कोई सा भी हमारा चैनल का कोई भी वीडियो हो उसके कमेंट में जो जो क्वेश्चन आपके आए वह आप कमेंट करना ठीक है ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो बने ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो सके इतना सा आप काम कर लेना ठीक है ठीक है दोस्तों अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो पाँच का वर्गमूल क्या होता है तो पाँच सौ उनतीस का जो वर्गमूल होता है वह तेईस होता है वर्गमूल क्या होता है दोस्तों तो गुणित होता है तेईस को तेईस से गुणा करेंगे तो पाँच सौ उनतीस आता है पाँच सौ उनतीस वर्ग होता है तेईस का ठीक है यह ध्यान रखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह तीसरे नंबर का इस प्रकार से आया है कि उसमा को किस से मापा जाता है यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों इसको आप याद कर लेना इसको जूल में मापा जाता है संधारित्र की इकाई क्या है तो यह फेरड़ है यह भी आप ध्यान रखना अगला जो क्वेश्चन है वह है 625 सौ पच्चीस एम का वर्गमूल क्या होगा तो इसका 25 होगा यह वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है जो आपका पाँच वाला आया था दूसरा क्वेश्चन ठीक है छठे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है किसी त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई का अनुपात यहाँ पर दिया गया है तीन अनुपात चार अनुपात पाँच है और इसका कर्ण पंद्रह मीटर है तो लंब ज्ञात करो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से त्रिभुज होता है ठीक है इसका आपको कर्ण दिया है पंद्रह मीटर ठीक है आधार ये होता है और लंब ये होता है तो दोस्तों यहाँ पर तीन चार और तो लंब सबसे छोटा मान लेंगे अपन ऑप्शन पर डिपेंड करता है दोस्तों ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पर आंसर पर डिपेंड करता है देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आप निकाल पाओगे तो पंद्रह आपको मीटर दिया है तो जो पंद्रह मीटर दिया है ना ये कर्ण सबसे बड़ा होता है और यहाँ पर कर्ण ही आपको दिया है पंद्रह मीटर तो सबसे बड़ा यहाँ पर अनुपात कौन सा है तो पाँच है तो पाँच का भाग जब आप पंद्रह में दोगे तो कितना आएगा तीन आएगा इस तीन को आप इंटू करोगे तीन से एक बार तो कितना होगा नौ तीन को तीन से इंटू करोगे तो नौ होगा और फिर तीन को इंटू करोगे चार से तो होगा तो हो आपका बारह तो एक भुजा आती है आपकी नौ और एक आती है बारह तो यहाँ पर जो लंब पूछा है तो लंब आपका आएगा नो आ जाएगा ठीक है फिर भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है अगर आपको दोनों दिया है तो आप नो लगाने का लगाएगा और अगर आपको दोनों नहीं दिया एक दिया है या तो नो दिया हो या बारह दिया हो तो फिर उसमें से एक चूज कर लेना ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फाइन सॉरी फीस बोन चार्ट से और क्या कहते हैं मतलब फीस बोन चार्ट जो होता है उसे क्या कहा जाता है तो वह जो होता है ना पीस बोन चार्ट वह होता है घटना का कारण दर्शाने वाला आरेख होता है यह आप ध्यान रखना ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन हम किसी ना किसी बच्चों से कमेंट द्वारा फ़ोन करके इस प्रकार से हम उनसे पूछते हैं तो कोई लैंग्वेज चेंज हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो आप मैनेज कीजिएगा लेकिन क्वेश्चन वही है वही टाइप है ज़्यादा क्वेश्चन में आलतू फालतू तुफ करवाता नहीं हो कि कहीं से भी लिख लिया ऐसा काम इस वीडियो में नहीं होगा आपको देखने को भी नहीं मिलेगा जो बच्चे बताते हैं वही हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि भाई बिल्कुल और क्वेश्चन वाली संख्या कम हो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या जैसे कि चालीस क्वेश्चन आते हैं अस्सी टोटल अस्सी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में ट्रेड में ट्रेड थ्योरी में चालीस आते हैं बीस क्वेश्चन आपके एम्पोबलिटी स्किल और बीस क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन क्वेश्चन संख्या ही हमारे पास कम होती है लेकिन हम वही देते हैं जो हमें मिलते हैं और जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह है अकाउंटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए टेली का उपयोग किया जाता है एस ई आर आई का मतलब क्या होता है तो दोस्तों एस ओ सी आई ओ इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है ये होता है ये ध्यान रखना फिर वहाँ पर ऑप्शन में किस प्रकार से दे ये है आप वहाँ अपना हिसाब से देख लेना ठीक है एटीएम का पूरा नाम ये तो आप रटी लेना दोस्तों ये बार बार पूछा जा रहा है सोलह सत्रह अट्ठारह के जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी पूछा गया है और उन्नीस के में भी पूछा गया है तो डेफिनेटली है बीस के में भी आएगा तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है सी का फुल फॉर्म यह भी पूछा जा रहा है बार बार तो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आप ध्यान रखना बारहवें जो क्वेश्चन है वह है एल आई एन यू एक्स में किसी भी फाइल को रिमूव करने की कमांड को क्या कहते हैं तो उसको रिमाइंडर कहते हैं दोस्तों अगर आपको सोलह सत्रह अट्ठारह के भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेंगे या तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर ऐसा नहीं करें तो आप क्या करोगे जैसा कि दोस्तों आप हमारा कोई सा भी एक चैनल पर एक वीडियो देख रहे हैं जैसे कि यही वीडियो आप देख रहे हैं जो अपना चल रहा है तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको यहाँ पर नीचे नाम नज़र आएगा बे गुड इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर होम वीडियो और प्लेलिस्ट लिखा हुआ नजर आएगा जब आप प्ले पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से प्ले ओपन होगी जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा आई फर्स्ट ईयर ओल्ड एग्ज़ाम पेपर्स तो इसमें है ना, जितने भी पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के वह अपलोड इसमें किए जाते हैं आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको जब ऊपर प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर यह है जो है ना इस थेमनल के जो आपको दिख रहे हैं सत्रह मार्च दो हज़ार इक्कीस क्वेश्चन पेपर सोलह मार्च दो हज़ार इक्कीस क्वेश्चन पेपर अट्ठारह मार्च दो हज़ार इक्कीस क्वेश्चन पेपर अट्ठारह मार्च अब देखिए ये अट्ठारह अट्ठारह के डबल क्यों है तो ये ट्रेड आल ट्रेड का है सभी ट्रेड इसमें देख सकते हैं यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्पबिलिटी स्किल्स के पेपर इसमें मिलेंगे और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड है वह क्वेश्चन इसमें मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं है ना और यह डेली क्लास है और डेली आपको क्वेश्चन पेपर हल करवाए जाएंगे दोस्तों मैं इतना सा विज्ञापन मेरा जरूर करूंगा इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपको पता हो तो आप स्क्रिप्ट वीडियो को कर सकते हैं ठीक है ठेके? आगे जो क्वेश्चन है आपका तेरवा नंबर का वह है कि आवेश की इकाई क्या होती है तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो वह होती है गुलाम यह आप ध्यान रखना बर्फ की अव्यक्त उष्मा क्या होती है तो अस्सी कैलोरी प्रति ग्राम होती है यह भी आप ध्यान रखना ए एल यू का पूरा नाम क्या होता है तो अर्थमेट्रिक लॉजिक यूनिट होता है सोलवा जो क्वेश्चन है यह सत्रह तारीख को भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यह आप ध्यान रखना उष्मा की इकाई होती है तो वह होती है जूल दोस्तों सत्रह नंबर जो क्वेश्चन है ना वह है आपका आई एल ओ का पूरा नाम क्या है तो वह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यह आप ध्यान रखना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वह है एल ए एन यह एल ए एन है, है यह आप ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा लिखा हुआ ट्राइटर मिस्टेक हो गई है एल ए एन का पूरा नाम क्या होता है तो वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है डब्ल्यू ए एन का पूरा नाम क्या है तो वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों यह जो फुल फॉर्म पूछी जा रही है यह सभी में कॉमन है यह सभी में आ रही हैं तो इनको आप रट लेना इनको आप ढंग से याद कर लेना सबसे बड़ी बात यही है आगे जो बीस नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह है बारह अट्ठारह छः और छत्तीस का एलसीएम क्या होता है छत्तीस होता है यह ध्यान रखना इसको कैसे निकाला जा सकता है इससे लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे तो आप ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन दिए होंगे अगर आप डायरेक्टली इसी प्रकार से करना चाहो तो ऐसे करना कि जैसे कि बारह है तो बारह के पहाड़े में छत्तीस आता है या नहीं आता 18 है 18 के पहाड़े में छत्तीस आता है या नहीं आता छः के पहाड़े में छत्तीस आता है या नहीं आता छत्तीस के पहाड़े में छत्तीस तो बिल्कुल तो यह ही इसका आंसर सही हो जाएगा इसके जगह आपको दे दे जैसे कि यहाँ पर आपको अड़तालीस दे दे अब देखिए बारह के पहाड़े में अड़तालीस आता है लेकिन अट्ठारह के में आता है क्या नहीं आता ना तो यह नहीं होगा इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं न तो फिर आपको गुणनखंड तो करना ही होता है कि बारह अट्ठारह और छः और छत्तीस फिर इसमें आपको दो का भाग है छः बार जाएगा नौ बार जाएगा यह तीन बार जाएगा फिर ये अट्ठारह बार जाएगा फिर आपको दो का देना है फिर तीन बार जाएगा फिर सॉरी ये दो बार तीन बार जाएगा इसमें जाएगा नहीं तो ऐसा कैसे उतार देंगे इसमें नहीं जाएगा वैसा वैसे उतार देंगे यहाँ पर नौ बार जाएगा फिर इस प्रकार से दो का देंगे फिर एक बार जाएगा या नौ बार नौ का नौ ये फिर तीन का देंगे इस प्रकार से देते हैं दोस्तों ये आपको पता होगा ठीक है और नहीं पता हो तो हमने अलग से भिन्न की क्लास बना रखी है चैप्टर वाइज हमारी क्लासे अपलोड होती हैं आई टी आई की फर्स्ट ईयर की तो वहाँ जाकर आप देख लेना ठीक है यहाँ पर समय नहीं है इसलिए हम आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बता पाते आगे जो क्वेश्चन है आपका इक्कीस नंबर वह है पाई रेडियन का डिग्री में मान क्या होता है ये एक सौ अस्सी होता है या पाई दिया हो या ना दिया हो रेडियन दे दिया हो तो भी एक सौ अस्सी आपका होगा ये ध्यान रखना और आपसे पूछ लिया जाएगा कोण को किस में मापा जाता है तो रेडियन में मापा जाता है ये भी आप ध्यान रखना बाईस नंबर जो क्वेश्चन है वह है तीन दशमलव तीन को इंटू करना है जीरो दशमलव जीरो जीरो, जीरो पाँच से तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा जीरो दशमलव जीरो ज़ीरो पंद्रह दोस्तों तो इस प्रकार से गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से है जैसा कि आपको अंक दिया है पाँच और तीन डायरेक्टली इसको गुणा कर लो तो पंद्रह आएगा फिर आपको क्या करना है कि आपको यह देखना है कि पंद्रह तो आपका आ गया पाँच को तीन से गुणा करने पर लेकिन आपको दस मूल्यों लगाना है वो कहाँ लगाओगे तीन दस मूलों के पीछे इस संख्या में कितने अंक हैं तीन तो इसमें है और इसके दस मूलों के पीछे कितने अंक हैं एक अंक है तो तीन तो इसके पीछे हैं और एक इसके पीछे है है ना अंक तो तीन और एक कितना होता है चार तो आपको यहाँ से चार अंक छोड़ने हैं एक दो कुछ नहीं है तो एक और जीरो लगा लो फिर एक और जीरो तो चार अंक हो गए यहाँ पर पॉइंट लगा के फिर जीरो लगाएंगे इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं गुणा बहुत ही आसान तरीके से है आगे जो क्वेश्चन है आपका एस ए आर टी का पूरा नाम क्या है तो यह है जो मेरे को फुल फॉर्म मिली है यही मिली है आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा क्या दिए हैं अगर यही दिए तो फिर अच्छी बात है सर्च एंड रिशू ट्रांसफान्डर ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से हमें तेईस ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन हमें मिले हैं ठीक है बाकी के क्यूशन्स देखिए जो बच्चों पर डिपेंड करते हैं वह हमें जितने बता पाते हैं वही हम आपको दे पाते हैं तो यही क्यूशन्स भी आपके लिए कम नहीं है और प्रयास कीजिए निमी मॉकडेट से आप पढ़ते रहिए वहाँ से क्वेश्स मिल रहे हैं ठीक है ना तो कैसा लगा वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर कोई आज एग्ज़ाम देके आए कोई भी बंदा या बच्चा कोई भी दोस्त मित्र तो कमेंट में जरूर एक दो क्वेश्चन आप लिख देना ठीक है जितना भी आपको पता हो वह लिख देना ठीक है धन्यवाद दोस्तों